नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज सोमवार को किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसी कड़ी में करनाल के लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की एवं कृषि के क्षेत्र में लाए गए काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। करनाल के लघु सचिवालय के सामने आयोजित किसान प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ, विभिन्न राजनीतिक दलों व कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इस धरने में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस अवसर पर किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना भी की। सभी संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसानों को कतई तौर पर अकेले नहीं रहने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हम सभी किसानों के बेटे पुत्र हैं, बाप हैं और किसान इस देश का दाता है। यदि किसान खत्म हो गया तो ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। मतलब किसान आंदोलन एक बड़ा अब रूप लेने वाला है। किसान आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है और ये जो मोदी जी जो किसानों को कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी माओवादी बताते हैं और कभी लेफ्ट फ्रंट के लोगों को बताते हैं, आज के लिए किसानों को आज के लिए नहीं है। आज हम जब वो डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उनके समर्थन में उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए। कौन कौन लोग आपके साथ? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CITO हरियाणा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा, किसान सभा, ये सारे समर्थन देने के लिए हम उनके साथ आए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका समर्थन करेंगे। आज जो ये करनाल में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है 12 से 3 बजे तक का और डीसी साहब को ज्ञापन देना है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ये 3 काले कानून कृषि के लिए काले कानून बनाए हैं, जब तक ये केंद्र सरकार इन्हें वापस नहीं लेती जब तक किसान सड़कों पर उतरेगा और धरने प्रदर्शन करता रहेगा और जी जान की बाजी लगाएगा, जब तक ये वापस नहीं लेता, जब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। और इसमें जब जितना लंबा ये धरने प्रदर्शन चलेंगे, जितना लंबा ये चलेगा धरना, उतनी ही दूसरी संस्थाएं, दूसरे सभी साथी, व्यापारी संस्थाएं, वकील, न्यायाधीश और दूसरी पार्टियों के समर्थन में इसके साथ जुट गए हैं और किसान का आंदोलन बिल्कुल मजबूत होता जा रहा है और किसान इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा? आज का कार्यक्रम डीसी साहब को 3 बजे ज्ञापन देना है और ज्ञापन देने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर आए हैं और किसान यहीं पर नहीं रुकने वाला। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जी जान की बाजी लगा चुका है। अगर ये केंद्र सरकार इतनी अच्छी होती तो आज की आड़ती और किसान को लड़ाने लग रही है। करनाल जिले के अंदर हजारों किसानों की 2.5 महीने से जीरी बिकी हुई है, आज तक भी पेमेंट अटकी हुई है। इतना होती तो किसान की फसल लागत के भाव पर बिकवाती और इनकी पेमेंट समय पर देती। गेहूं की पेमेंट भी इन्होंने 1 महीना लेट दी थी और धान की पेमेंट भी कम से कम 2.5 महीने हो गए आज धान को बिके हुए। बहुत से किसानों की, हजारों किसानों की आज तक पेमेंट नहीं मिली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.